तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीन की संस्कृत। ठीक है, तैयार है सारे बच्चे? देखिए ऊपर लिखा है पंचमह पाठ। पंचमह पाठ का मतलब क्या होगा? पांचवा पाठ। शिशु गीतम, शिशु का मतलब होता है बच्चा, बच्चों के, बच्चों, बच्चे का गीत है शिशु गीतम। ठीक है ना। चटका ब्रूते चू चू चू। चटका किसको कहते हैं? चिड़िया। तो चिड़िया चू चू बोलती है, इसका मतलब क्या है? चिड़िया चू चू बोलती है। वदति कुकुटह कुकुड़ूकु। कुकुटह किसको बोलते हैं? कुकुड़ूकु किसको बोलते हैं? कुकुटह मुर्गा, मुर्गे को बोलते हैं ना। तो मुर्गा कैसे बोलता है? कुकुड़ूकु बोलता है। ठीक है, मुर्गा बोलता है कुकुड़ूकु। वदति कोकिला कुहू कुहू। कोकिला माने कोयल। कोकिला का मतलब क्या होता है? कोयल। कोयल कुहू कुहू बोलती है। हर्ष यामह मुहु मुहु। और हर्ष यामह का मतलब होता है हर्षित होती है, प्रसन्न होती है, बार बार प्रसन्न होती है। मुहु मुहु का मतलब होता है बार बार। हर्ष यामह मनी प्रसन्न होती है या हर्षित होती है। तो कोयल कुहु कुहु बोल के बार बार प्रसन्न होती है। समझ में आया? आगे देखिए। सिखिना वाणी केका केका। सिखिना का मतलब होता है, कोई बता सकता है सिखिना का क्या मतलब होता है? मोर। मोर की वाणी केका केका, मतलब कहने का अर्थ यह है कि मोर केका केका बोलता है। टर टर कुरुते मंडुक, मेनक टर टर करता है। क्या अर्थ हुआ? सिखिना वाणी केका केका, इसका अर्थ हुआ कि मोर केका केका बोलता है और टर टर कुरुते मंडुक, मेनक टर टर करता है। बालह बिहसति हा हा हा, मतलब बालह माने बालक, हा हा करके हंसता है। क्या? बालक हा हा करके हंसता है। काकह प्रलपति का काका। और जो काका का मतलब होता है कौवा। कौवा का का करके प्रलाप करता है। क्या? कौवा का का करके प्रलाप करता है। करोति कुकुरह भौ भौ भौ, मतलब कुत्ता भौ भौ करता है। कुकुरह का अर्थ होता है कुत्ता। वदति वानर खौ खौ खौ। और जो बंदर होता है वो कैसे बोलता है? खौ खौ खौ। तो इंग्लिश में भी पता है आपको बंदर मतलब मंकी क्या करता है? क्या? मंकी चैटर करता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैटर। अब मेंढक जैसे टर टर करता है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रॉग के लिए क्रॉक। पीकॉक स्क्रीम करती है। कॉक्स क्रॉ करता है और बर्ड्स चीर्प या ट्वीट करती है। और क्रोच कैसे करता है? काव। क्रोच करते हैं काव, जो क्रॉ होता है कौवा काव करता है। ठीक है ना। और डॉग क्या करते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉग के जो साउंड होते हैं बार्क। जैसे हम यहाँ बोलते हैं ना कि यहाँ पे डॉग के लिए क्या लिखा है? कुकुर भौं भौं भौं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉग बार्क्स। अच्छा इसमें देखिए कुछ कठिन शब्द है आप लोगों के लिए। क्या है यहाँ पे लिखा है? शब्दार्थ अर्थात शब्दों के अर्थ। तो शिखिना वाणी, शिखिना वाणी का अर्थ है मोर की बोली। मंडुक, मंडुक का अर्थ है मेंढक। कुकुट, इसका मतलब मुर्गा।
हर्षयामः हर्षित होते हैं। विहसति हंसता है, प्रलपति प्रलाप करता है, कुरुते करता है। तो ये सब आप लोगों ने लिखने हैं और समझने हैं। आगे है अभ्यास, आप लोगों ने अभ्यास करना है। ये प्रश्न है मौखिकम वदत, इनको आपने मौखिक बोलना है, बल्कि मौखिक तो कैसे बोलेंगे आप लोग, इसको लिख भी देना, ठीक है ना। क वाला है चित्रे के पशु पक्षिणा संति, मतलब चित्र में कौन कौन पशु पक्षी है। तो आपने क्या करना है, ऊपर से सबसे पहले जैसे ये है कुकुट, तो उत्तर में लिखना कुकुट, किताब से लिखना है ना आपने, तो ऐसा लिख देना आगे, इसके आगे लिखना कुकुट। और क्या है, और बोलिए। इसमें जो पशु पक्षियों के नाम आए हैं, कुकुट, चटका, कोकिल, शिखिना, मंडुक, काक, कुकुर और वानर, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है शिशु गीतस्य लयात्मकम वाचनम करोतु, आपने क्या करना है, इसका लय के साथ वाचन करना है। तो चलिए इसको लय के साथ वाचन करते हैं। चटका ब्रूते चू चू चू, वदती कुकुट कुकुड़ूकु, वदती कुकुट कुकुड़ूकु, वदती कोकिल कुहू कुहू। उंगली होनी चाहिए आपकी वहां पे, वदती कोकिल कुहू कुहू। हर्षयामः मुहु मुहु, आवाज नहीं आ रही है। शिकिनः वाणी केका केका, शिकिनः वाणी केका केका, टर टर कुरुते मंडुकः, बाल विहसति हा हा हा, काकः प्रलपति का का का, करोति कुकुरः भौं भौं भौं, वदति वानरः खौं खौं खौं। जो दूसरा प्रश्न है अक्षरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, इन ये जो अक्षर दे रखे हैं इनसे आपने क्या करना है, खाली जगह भरने। तो जैसे वहां अध क कुट लिखा है, तो क्या होगा, ये शब्द कुकुट होगा। इससे पहले हमने ये कु लिखना है, यहाँ पे ये वाला कु यहाँ लिख देना कुकुट। उसके नीचे है यूर है, तो मयूर म लिखेंगे तो मयूर हो जाएगा। ये वार है, तो वार क्या होगा, वानर कहाँ होगा, वार। फिर से देखो जरा ढंग से देखिए, वानर नहीं होगा। हाँ ये गलत छपा हुआ है, ये वा पहले होना था यहाँ, ये काट के पहले यहाँ वा होना था, बीच में बनना था न, वानर होना था उसने। ऐसा कोई शब्द इस पाठ में नहीं आया है। यहाँ पे को और यहाँ पे क्या आएगा, की, को किलह छोटी की लिखने यहाँ पे, ठीक है ना। मौ भी आ गया, अच्छा विडाल, ये लौ लिखना यहाँ पे, विडाल बने, विडाल का मतलब क्या होता है, बिल्ली। यहाँ पे धे है, तो धे के साथ नू आएगा, धेनु, क्या आएगा, धेनु। शिखिना, यहाँ पे खी आएगा बीच में, शिखिना, ठीक है। अरे मंडुक, यहाँ पे म आएगा पहले, क्या आएगा, अच्छा क्या होगा, का। आगे प्रश्न तीन देखिए, मेलनम कुरुत, मतलब मेल करना है आप लोगों ने। हेलो आवाज आ रही है, तो काका क्या बोलता है, इसमें से इसमें देखना कहाँ है काक की भाषा, इसमें काव काव, तो काका मिलाना है काव काव से। विडाल किससे मिलाएंगे,
म्याओ म्याओ, सब लोग देख रहे हैं। कुकुर भौ भौ भौ, वानर कहाँ पे है, खो खो किस लाइन पे है, पहली लाइन पे है खो खो। मयूर के का भाई, मयूर सिखी ना एक ही बात है। मंडूक टर टर, चटका चू चू, कोकिला कुहू कुहू, और कुकुटा कुकुड़ुकू, कुकुटा। तो समझ कर लोगे आप लोग, ठीक है। इस वीडियो को जहां दिक्कत होगी इस वीडियो को देखना हो जाएगा। प्रश्न चार देखिए, आयत प्रहेलिकायाम निम्नांकित पशु पक्षिणाम नामानि अन्वेषयत। ये जो आयत के अंदर जो पहेलियां दी हुई है वो दे रखा है, बना रखा है ना इसमें आयत के अंदर, इसमें आपने पशु और पक्षियों के नाम खोजने हैं, ठीक है। तो पहले कुकुर ढूंढ रही है, जरा कुकुर कहां पे, कहां पे मिला कुकुर, ये देखिए ऐसे में भाई कु, अब दूसरी कु आधा करो आगे है, रो नीचे है कुकुर, ठीक है। फिर है कुकुट, तो कुकुट भी उसी के साथ है, दोनों एक साथ है, टो आगे र उसके बीच में नीचे है और टो आगे है, तो दोनों शब्द उसी पे मिल गए। वानर ढूंढिए तो किस लाइन पे है, ये वानर तीसरी लाइन में है, देखो र वही आ गया कुकुर वाला। गज ढूंढिए तो गज हाथी, ये दूसरी लाइन में सबसे पहले मिल गया। और शुकर ढूंढिए तो तोता, ये ऐसे में बतिरचे में शु और कह शुक। मोनाल ढूंढिए तो ये लास्ट लाइन में मो ना ल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है ना। विडाल ढूंढिए तो विडाल, विडाल ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। देखिए तीसरी लाइन में उल्टे में है, वी यहाँ है, डा यहाँ है, ल यहाँ नीचे, मोना ल वाला है वही है, तो वी डा ल। सिंह ढूंढिए तो लास्ट में भाई, सिंह सबसे नीचे। और काक ढूंढिए, काक देखिए लास्ट चौथी लाइन पे है, यहाँ पे काक। नकुल नकुल, ये है भाई दूसरी लाइन में, जो वानर वाली लाइन है वहां से नौ है बीच में, जो वानर का नौ वहां से नीचे, तो मिल गया सारे के सारे, ठीक है। अब गतिविधि है, एक समूह के पास पशु पक्षियों के नामों के फ्लैश कार्ड तथा दूसरे समूह के पास उनकी बोलियों के फ्लैश कार्ड होंगे, आपस में मिलकर जोड़े बनाकर छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे। तो देखिए आप लोग अगर खेलते हैं अपने भाई बहनों के साथ, उनके साथ करो, तो जैसे एक ने बोल दिया, एक बच्चा बोलेगा कुकुर करो थी, तो दूसरे ने बोल रहा भौं भौं भौं, ठीक है ना भाई। जैसे मैं तुम अभी अभी करते हैं, मैं बोलूंगा तो आपने आगे बोल रहा है शिकिना वाणी के का बोलो ना, हाँ शिकिना वाणी एका। मंडूक कुरुते टा टर टर टर, ठीक है ना। कुकुट वदती कुकुड़ू उ, बोलो नहीं कुकुट कुकुट वदती कुकुड़ुकू, ठीक है ना भाई। वानर वदती खौ खौ खौ, क्या तो इस तरह से आप लोग गतिविधि करेंगे खुद, ठीक है। तो नीचे लिखा है शिक्षक कक्षा में विभिन्न पक्षियों के नाम के बाद उत्पत्ति जोड़कर शब्दों को खेल खिलवाएं, जैसे कपोता उत्पत्ति, चटका उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ होता है उड़ने से, ठीक है ना। बच्चे हाथ उठाएं, शिक्षक बीच बीच में न उड़ने वाले प्राणियों के नाम भी लें, जैसे मूषक उत्पत्ति,
तो अगर जो जिस बच्चे ने हाथ उठा दिया तो समझ लो मूसक मतलब चूहा कभी उड़ता है नहीं। जैसे मैं अभी अभी बोलूंगा, अगर मैं जो उत्पत्त जो उड़ने वाले जानवर है आपने हाजी बोलना है, क्या बोलना है? हाजी। और जो उड़ने वाला नहीं है आपने बोलना नहीं नहीं नहीं, क्या बोलना है? तो शुरू करें। चटका उत्पत्ति, जल्दी बोलना हाजी, अबे फटाफट बोलना है। गजा उत्पत्ति, ना 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 बोलना, फटाफट बोलना भाई, ठीक है ना। काका उत्पत्ति, बहुत जल्दी बोलना है। अश्व उत्पत्ति, तो इस तरह से आप लोग खेल कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो ओके, ये पार्ट समाप्त हो गया। कैसा लगा कक्षा 3 का ये पार्ट? अच्छा लगा, तो ठीक है, ओके।